जया निगम, इंडिया कैप्टन 2010 और एक वक्त की सबसे बेहतरीन रेडर। कबड्डी यार, हम तो एक ही टीम में है ना यार। दो रंगों में रंगी है, दो रूप में। क्या पापा रात को फिर से पड़ी? तू चुपचाप अपना नाश्ता पूरा कर। गुड मॉर्निंग मैम। वायु सी भी है थोड़ी, अरमान भी कहीं ऐसी है जिंदगी। भैया गाड़ी धीरे चलाना। धीरे धीरे ही चलती है। जी मैं भी। आपको कुछ चाहिए? लो, क्या हुआ? नहीं पहचाना? कबड्डी वालों को कौन पहचानता है? जया जी, वो दिन हवा हुए जब आप रेलवे के लिए कबड्डी खेलती थी। सारी बड़ी बड़ी बातें वुमन एम्पावरमेंट की। मैं एक माँ हूँ और माँ के कोई सपने नहीं होते हैं। जब इंसान का वक्त बदलता है ना, तो आसपास के लोगों का रवैया भी बदल जाता है। मम्मी की एज क्या है? 32। तो क्या 32 में कमबैक नहीं होता? किस्मत वाली है जो तुझे एक और मौका मिल रहा है। पर ऐसी बहुत सारी परेशानियां होंगी जो एक साल बाद ना तुम्हें याद रहेंगी ना मुझे। पर याद रहेगा तो सिर्फ ये कि तुम्हारे पास एक मौका आया था और तुमने वो जाने दी। जया, तुम्हें लग रहा है कि तुमने भोपाल की लड़कियों को रगड़ दिया तो तुम इंडियन टीम में कमबैक कर सकती हो? कोशिश तो करने दे यार, फिर से पंगा लेना है। पंगा लेना है लड़की को? जब तेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगा ना, और फिर जब तू इंटरव्यू देगी ना, तो सिर्फ प्रशांत का नाम मत लेना, अपनी मम्मी का भी नाम लेना। हर एक खिलाड़ी अपने लिए या अपनी टीम के लिए खेलता है। सिर्फ कुछ ही खुशनसीब खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको देश के लिए खेलने का मौका मिलता है। जिस उम्र में प्लेयर रिटायर होने की सोचते हैं, ये कमबैक करना चाहती है। मम्मी पता नहीं क्यों बड़बड़ा रही हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट मांग ही नहीं रही हूं। मैं तुझे सपोर्ट कर भी नहीं रही हूं। अरे नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। नहीं मिलेगा तुझे मेरा सपोर्ट। अरे आगे बढ़ो ना भाई। गोंद के लड्डू तो लाई नहीं। कबड्डी खेलनी थी, कबड्डी खेल। और ये भी चीनी में बनाए। खीर के साथ चाय कौन पीता है यार? गोंद के लड्डू नहीं लाई ना मम्मी।